नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन के राजगढ़ रोड से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की जो कार्रवाई सोलन में चली हुई है वो लगातार जारी है। जेसीबी के साथ प्रशासन के अधिकारी आज मौके पर पहुंचे हुए। पिछले दो दिनों से लगातार इस तरह की कार्रवाई है और आज तीसरा दिन अवैध कब्जों को हटाने का चला हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो अवैध कब्जे सरकारी भूमि पर हुए हैं उन्हें हटाने के लिए आज जेसीबी के माध्यम से प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उन्हें तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें आप सोलन के राजगढ़ रोड की इस वक्त देख रहे हैं। लगातार पिछले तीन के आज तीसरे दिन है प्रशासन की कार्रवाई का। उससे पहले प्रशासन ने जितने भी अवैध कब्जाधारी थे उन्हें चेतावनी दी थी कि वो अपने कब्जों को हटा लें। जिन लोगों ने प्रशासन की आग्रह को स्वीकार नहीं किया अब उनके खिलाफ जेसीबी के साथ कार्रवाई इस वक्त हो रही है। और प्रशासन पूरी तरह से बुलडोजर बाबा की तरह सोलन में इस वक्त दिख रहे हैं। और आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं एसडीएम सोलन की मौजूदगी में, की निगरानी में कार्रवाई इस वक्त हो रही है। साथ में एसडीएम है, विद्युत बोर्ड के एक्सिम भी मौके पर है, नायब तहसीलदार। आप तस्वीरें के माध्यम से देख सकते हैं कि लगातार प्रशासन की कार्रवाई, आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी इस वक्त कार्रवाई जारी है। आज कोटना नाला तक प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की जाएगी। जितने भी अवैध कब्जे हैं उन्हें हटाया जाएगा। और पिछले दो दिनों से यह कार्रवाई सोलन में हो रही है। तस्वीरें आप सोलन की देख सकते हैं। यहाँ पर एक घारे को हटाया गया है जो यहाँ पर आगे की तरफ बनाया गया था और इस वक्त एसडीएम सोलन की अगुवाई में यह कार्रवाई हो रही है। पुलिस प्रशासन की टीम में यहाँ पर है, अन्य अधिकारी भी इस वक्त प्रशासन के यहाँ पर मौके पर मौजूद है और लगातार इस तरह की कार्रवाई। एसडीएम सोलन कविता ठाकुर की अगुवाई में यह कार्रवाई इस वक्त प्रशासन एक्शन में है। और आप तस्वीरें सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। जो यहाँ पर अवैध कब्जे थे उन्हें हटाया गया है और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा भी रहे हैं कि ये ले जाए अपनी चादरें वगैरह जिसकी भाई कभी आगे जाना हमने थोड़ा सा। नहीं पर आप मेरा टाइम इस वक्त की शॉर्टेज और इस वक्त निर्देश दिए जा रहे हैं। आशीष भाई चले गए आगे, फोन पकड़ो। एसडीएम सोलन कविता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बता रहे हैं कि प्रशासन की जो कार्रवाई अवैध कब्जों के खिलाफ यहां पर चली हुई है। मैडम आज तीसरा दिन है और लगातार प्रशासन, अच्छा सातवां दिन, मैम किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और क्या निर्देश जारी किए जा रहे हैं लोगों को भी? लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर उन्होंने एंगल्स वगैरह रोड पे लगाने हैं तो वो स्वयं उनको कटवा लें ताकि रोड जो है वो एटलीस्ट रिक्वायर्ड विड्थ तक फ्री हो जाए चलने के लिए गाड़ियों के लिए। मैम जो जैसे सड़क किनारे जो ढाबा वगैरह बने हैं, छोटी रेड़ियां बनी हैं, उनको बसाने हम नहीं कर रहे हैं। रेड़ियां नहीं थी, अगर आपने गौर किया होगा उन्होंने पक्के स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर रिमूव किए हैं हमने और रेड़ियां वैसे की वैसी हैं। उनका सामान वो ले गए हैं, कोई भी ऐसी रेड़ी हमने नहीं दी है।
आज जो कार्रवाई रहेगी कहाँ तक रहेगी? आज कोटला नाला तक पहुँचने का एंगल्स हमारी कोशिश होगी कि कोटला नाला तक हम जो बिल्डिंग्स के आगे एंगल्स हैं वो आज लोग ऑपरेट करें मैम इसमें आपको जी बिल्कुल। तो राजगढ़ रोड में कहाँ तक कार्रवाई करेगा प्रशासन? ऐसे कोई भी हमने प्लान नहीं किया है बट आगे तक करेंगे अभी कार्रवाई काफी समय तक चलेगी मैम जी। और SDM सोलन थे जो हमें जानकारी दे रहे थे। हालांकि JCB के माध्यम से पिछले 3 दिनों से यह कार्रवाई जारी है। यह अलग बात है कि प्रशासन द्वारा उससे पहले अतिक्रमण को लेकर जो कार्रवाई जा रही है इस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की फोर्स है हुआ करती थी अब लोगों ने इसे कचरे का डिब्बा बना दिया हुआ है। तस्वीरें आप सोलन में जितने भी अभी कब्जे शासन द्वारा उन्हें बनाया जा रहा है आप देख सकते हैं पुलिस की घूमती थी लेकिन बंद हो गई थी तो लोगों ने इसे डंपरी बना के पूरा यहाँ पर फेंकना शुरू कर दिया था। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कचरे का ढेर इसके बीच में इस वक्त दिखाई दे रहा है और लगातार प्रशासन अब आजकल अभियान चलाए हुए अवैध कब्जों के खिलाफ आज कोटला नाला तक प्रशासन का कार्रवाई जारी रहेगी। कोटला नाला तक जितने भी अवैध कब्जे हैं या फिर अतिक्रमण किया गया है उसे हटाया जाएगा। JCB लेकर प्रशासन अब सड़कों पर खुला हुआ है और पिछले 3 महीनों से कार्रवाई यहां पर की जा रही है। आप सोलन की यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। SDM सोलन कविता ठाकुर की अगुवाई में यह कार्रवाई हो रही है जिसमें राजस्व विभाग के कर्मचारी भी हैं, नगर निगम के कर्मचारी भी हैं, PWD के कर्मचारी भी हैं और मौके पर सड़क की नाप नपाई भी की जा रही है और देखा जा रहा है कि जहां पर भी सरकारी लैंड है और वहां पर यदि किसी ने ग्रिल लगाई हुई है या फिर रास्ते को बंद किया हुआ है तो उन्हें हटाया जा रहा है। सोलन की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अब प्रशासन की टीम फोटो मैदान के लिए जो सड़क जाती है वहां पर पहुंच गई है और यहां पर अब हालांकि नमस्कार जी, पंजाब किसी TV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और तस्वीरें हम दिखा रहे थे अवैध कब्जों के खिलाफ, अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की पिछले 2-3 दिनों से कार्रवाई जारी है। हालांकि 1 सप्ताह से प्रशासन उससे पहले एहतियातन चेतावनी दे रहा था और जो अतिक्रमण था उसे हटा रहे थे लेकिन अब अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की जो कार्रवाई है पिछले 3 दिनों से जारी है। JCB लेकर प्रशासन अब सड़कों पर निकला हुआ है। राजगढ़ रोड की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे थे जहाँ पर अवैध कब्जे जो सड़क के किनारे हैं उन्हें हटाया जा रहा है और SDM सोलन कविता ठाकुर की अगुवाई में यह कार्रवाई जारी है। जो स्ट्रक्चर है चाहे पक्के हैं उन्हें
जेसीबी से हटाना का काम चला हुआ है और प्रशासन की माने तो आज कोटाना नाला तक यह कार्रवाई जारी रहेगी और इसी तरह कॉलेज तक यह प्रशासन द्वारा अवैध कब्जों को हटाया जाएगा और उसके बाद हॉस्पिटल रोड और फिर माल रोड की तरफ प्रशासन जितने भी अवैध कब्जे हैं उन्हें हटाने के लिए आगे बढ़ेगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे SDM सोलन इस वक्त के नेतृत्व में यह कार्रवाई की जा रही है। सोलन की यह तस्वीर है, आप देख रहे हैं माल रोड की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक एक जगह का यहाँ पर प्रशासन की ओर से मुआयना किया जा रहा है। सड़क की नपाई भी की जा रही है, जहाँ पर भी प्रशासन को लग रहा है कि इस सरकारी भूमि के ऊपर अतिक्रमण हुआ है या अवैध कब्जा हुआ है तो उसे हटाया जा रहा है। ये तो है ही, मैं भी साफ लग रहा है पुलिस। SDM सोलन कविता ठाकुर की अगुवाई में यह पिछले 3 दिनों से JCB के माध्यम से नगर निगम के कर्मचारी नायब तहसीलदार अपने जगदीश जी सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हो। लगातार प्रशासन की इस कार्रवाई से आम लोग राहत की सांस भी ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारी जगह अब खुल गई है जहां पर अवैध कब्जे किए हुए थे सड़क के किनारे, उन्हें हटा दिया गया है। लोगों को आवागमन की थोड़ी सुविधा जरूर मिली है क्योंकि अवैध कब्जों की वजह से लोगों को पैदल चलना यहां पर मुश्किल हो गया था। लगातार अवैध कब्जे और अतिक्रमण सड़क की ओर बढ़ता जा रहा था। सोलन की यह तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। स्थानीय लोग भी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जो अतिक्रमण उसे पीछे भी करवाया जा रहा है। सोलन की पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे से इस जुड़ाव के लिए और लगातार प्रशासन की कार्रवाई है तो हम आपके साथ लगातार भी जानकारी देते रहेंगे कि किस तरह की कार्रवाई शहर में चली हुई है। अभी राजगढ़ रोड है, फिर हॉस्पिटल रोड होगा और फिर माल रोड की तरफ प्रशासन आगे बढ़ेगा क्योंकि माल रोड पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे कुछ ज़्यादा है और वहाँ पर बड़ी कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा सकती है।